अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ वो है चिंतन प्योर केराटीन हेयर सीरम। अच्छा, इसका मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी, मैं इसकी प्राइस, इसकी पैकेजिंग और इसके डिस्काउंट के बारे में सारा बताऊँगी। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात की जाए तो जब मैंने इसको लिया था, जब मेरे पास डिलीवर हुआ था तो बहुत अच्छी पैकिंग में था। अब भी इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, ये देखें। ये इजीली आप जो आपकी ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मुझे कितने में मिला था? ये मुझे डिस्काउंट में मिला था, तब इनकी सेल चल रही थी। अच्छा, ये मुझे 1050 रुपये में विद डिलीवरी चार्जेस के साथ मिला था और मुझे इस पर 10% डिस्काउंट मिला था। आजकल भी जैसे हर ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है, ईद की वजह से किसी पे 10%, 20%, 30% ऐसे चल रही है। तो आप भी ऑर्डर कर दें, देख लें कि ये किस तरह कितनी इनकी सेल चल रही है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केराटीन हेयर सीरम चिंतन प्योर एंटी फ्रीज डैमेज रिपेयर मार्क्स हेयर सिल्की एंड शाइनी फॉर ऑल हेयर टाइप्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको कब ख़रीदा और मैंने कितना अर्सा इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मुझे इसके कौन से रिजल्ट्स मिले, ठीक है। अच्छा, इसको जो है मैंने फरवरी में ऑर्डर किया था, फरवरी में मुझे रिसीव हो गया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अब अप्रैल चल रहा है। ये देखिए, 3 माह मैंने इसको यूज़ किया है। 3 माह यूज़ करने के बाद जो मुझे फ़ील हुआ है वो ये फ़ील हुआ है कि भी इससे जो आपके बाल फूल जाते हैं, रफ से नज़र आ रहे होते हैं और सिल्की री नज़र आ रहे होते हैं, तो इससे आपके बाल एक तो स्ट्रेट होना भी शुरू हो जाते हैं, सिल्की होना भी शुरू हो जाते हैं और जो बम सा बन जाता है बालों में फटने वाला वो भी नहीं होता, ठीक है। ये अपने आपके बालों को स्मूथ करता है, सिल्की करता है, शाइनी करता है और स्ट्रेट भी करता है, ये मैंने नोट किया है, ठीक है। और इससे बाल ख़राब भी नहीं होते। तो इसकी ये देखें, इसकी शॉप भी लिखी हुई है, इनका फ़ोन नंबर भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, व्हाट्सएप भी है। अगर आप इनसे व्हाट्सएप पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आप इन व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और आप ऑर्डर कर दें। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अमेजिंग है। मैंने ये ख़ुद ख़रीदा है, ये मुझे कोई दिया नहीं गया कंपनी की तरफ से, ये मैंने ख़ुद ऑर्डर किया है चिंतन प्योर का। अच्छा, मैं आप अंदर से दिखा देती हूँ आपने कितना लगाना है और कैसे लगाना है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपने इतनी मिकदार में लेना है, ये देखें, बस आपने इसको अच्छी तरह अपने हाथों से मिक्स करना है। देखिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने फिर अपने बालों को दो हिस्सों में किया करना है और दो हिस्सों में करने के बाद फिर आपने उनको उनकी जड़ों को लगाना है, ठीक है। बालों के ऊपर वाले रूट्स को नहीं लगाना, जहाँ से बाल, वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना, नीचे वाले बालों में लगाना है, ठीक है। जड़ों में बिल्कुल नहीं लगाना है, नीचे वाले बालों में लगाना है, ठीक है। उनको अच्छी तरह से बस इतना से लेके दोनों हाथों से, दोनों साइडों से इसको लगा लेना है। बस ऊपर वाले बालों में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मैं बार बार कह रही हूँ, नीचे वाले बालों में लगाना है, ठीक है। अच्छा, नहाने के बाद जब आप आते हैं ना, नहाने के बाद जब आपके बाल हल्के हल्के गीले हों, ठीक है, कंघा करने के बाद गीले गीले बालों में आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। नहाने के बाद, सर धोने के बाद आपने अपने बालों में कंघा करने के बाद इसको दो हिस्सों को बालों में कर लेना है और फिर सिर्फ नीचे वाले हिस्से वाले बालों में इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। 15 दिन बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। बाल ना इससे झड़ते हैं ना ख़राब होते हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। मैंने आपको तरीका भी बता दिया आपने किस तरह लगाना है, बाल वॉश करने के बाद, कंघा करने के बाद नीचे वाले बालों में आपने इसको लगा देना, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।